हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुरविंदर सिंह, वेल्डर इंस्ट्रक्टर, बाबा फरीद आईटीआई कोटशमीर। आज आपां एसिटिलीन गैस की उत्पत्ति बारे गल करते हैं। एसिटिलीन गैस की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके बारे आप आज जानकारी प्राप्त करते हैं। एसिटिलीन गैस है जो एक हाइड्रोजन का यौगिक है। इस दे अंदर कार्बन और हाइड्रोजन यौगिक होंगे है C2H2 है जो यह एसिटिलीन गैस का रसायनिक सूत्र है C2H2। सो अपना एसिटिलीन गैस की उत्पत्ति बारे गल करते हैं। इस दे अंदर 24 भाग या 24 हिस्से कार्बन के होंगे हैं, दो हिस्से हाइड्रोजन के होंगे। इस दे अंदर जो कैल्शियम कार्बाइड तैयार होंगी है, कैल्शियम कार्बाइड अते यह कैल्शियम कार्बाइड पानी की क्रिया नाल तैयार की जाती है। इस दे विच पानी दे नाल तैयार की जाती है। यह हवा विच ऑक्सीजन प्राप्त करके जल्दी है। इस दे अंदर जो कार्बन की मात्रा होंदी है 93.3% होंदी है कार्बन की मात्रा, अते इस दे अंदर हाइड्रोजन की मात्रा होंदी है 7.7%, यानी कि 7.7% हाइड्रोजन की मात्रा होंदी है। सो आपां गल करते हैं कैल्शियम कार्बाइड किवें तैयार की जाती है। कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस की उत्पत्ति करन दे लई कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस उत्पन्न करन दे लई काम आती है। इस विच कैल्शियम कार्बाइड नूं किवें उत्पन्न करना है, इस विच एक पट्टी दी वरतों की जाती है। इस दे विच एक लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर अते कोयला मिला के, यानी कि कोयला मिला के एक निश्चित टैंपरेचर ते इसनूं गर्म किया जाता है। ये जदों चूना पत्थर अते कोयला बिल्कुल ही मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, तरल अवस्था में आ जाते हैं, उस तो बाद एक क्रूसीबल विधि दे नाल इसनूं ठंडा किया जाता है। ठंडा करन दे नाल यह कठोर हो जाता है कैल्शियम कार्बाइड, अते भूरा रंग का हो जाता है। कठोर छोटे टुकड़े टुकड़े विच इसनूं बाद विच कट लिता जाता है, इसनूं अलग अलग वंड लिता जाता है। यह जो कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र हुंदा है Ca(C2)। यह कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र हुंदा है। अते इस तो बाद कार्बन ऑक्साइड भी बनता है, इस होता है CO कार्बन ऑक्साइड। जदों यह कैल्शियम कार्बाइड बन जाती है तो इसनों बाजार के अंदर 25 ग्राम, 50 ग्राम अते 100 ग्राम की पैकिंग उपलब्ध होता है। अपन इसनों हमेशा खुली हवा के नहीं रखना चाहिए है, क्योंकि यह हवा के संपर्क के आके जल सकती है। अते कैल्शियम कार्बाइड नूं एयर टाइट जो ड्रम होंदे है उन्हां दे अंदर ही इसनूं रखना चाहिए है। एयर टाइट ड्रम होंदे है उन्हां नूं खोलन दे लई जमूर जां संडासी या टोंग दी वरतों की जाती है। उसनूं संडासी या टोंग या जमूर नूं ग्रीस लगा के एयर टाइट जो ड्रम होंदे उन्हां नूं खोलना चाहिए है। चीजल वगैरह या छेनी नाल उस ड्रम नूं नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि उस दे नाल चिंगारियां पैदा हो के ते कैल्शियम कार्बाइड नूं अग लग सकती है। सो स्टूडेंट्स, हुण आपां देखते हैं कैल्शियम कार्बाइड या गैस तैयार करन दीआं विधियां। एसिटिलीन गैस आपां तैयार करन दीआं वख-वख विधियां बारे अज जानकारी प्राप्त करांगे। सब तो पहला कार्बन अते हाइड्रोजन दे सीधे संपर्क द्वारा, कार्बन अते हाइड्रोजन दे सीधे संपर्क द्वारा एसिटिलीन गैस कैसे आपां उत्पन्न करनी है, उहदे बारे आपां चर्चा करते हैं।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਆਰਕ ਦੁਆਰਾ ਆਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਐਸਟਲਿਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਆਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਟਲਿਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਥੇਨ ਇਥੇਨ ਔਰ ਐਸਟਲਿਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿਘਟਨ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿਘਟਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟਲਿਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਿਥੇਨ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਆਰਕ ਦੁਆਰਾ ਆਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਐਸਟਲਿਨ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਯੋਗਿਕ ਬਣ ਕੇ ਐਸਟਲਿਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਿਥੇਨ ਹੈ 2CH4 ਅਤੇ ਐਸਟਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ C2H2 ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 3H2 ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚੂਨੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਐਸਟਲਿਨ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਟਲਿਨ ਗੈਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਤਪੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਸਟਲਿਨ ਗੈਸ ਦੀ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਪਾਣੀ ਪਲੱਸ ਚੂਨਾ ਪਲੱਸ ਐਸਟਲਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟਲਿਨ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਹੈ Ca(C2) ਪਲੱਸ ਪਾਣੀ 2H2O ਔਰ ਚੂਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ Ca(OH)2 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸੀਟਲਿਨ C2H2। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ Ca(C2) ਪਲੱਸ ਪਾਣੀ ਹੈ 2H2O ਔਰ ਚੂਨਾ ਹੈ Ca(OH)2 ਪਲੱਸ ਐਸਟਲਿਨ ਹੈ C2H2। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।